एक सरकार अपने गुंडे बेच के हमारे नेताओं के साथ करना चाह रही है, हम वो हर किस नहीं होने देंगे। हम अपने हक के लिए, हम अपने नेताओं के लिए, हम अपने देश के लिए, हम अपने खेतों के लिए पूरा संघर्ष करेंगे और हम तिरंगा लेके चलेंगे और तिरंगे का सम्मान करते हुए अपने देश की पूरी मदद करेंगे और किसानों की मदद करेंगे। मोदी योगी भाजपा का ये षड्यंत्र था जिसके अंतर्गत 26 जनवरी को जो परेड छोटी की गई, परेड छोटी जानबूझ के की गई, इनको लाल किले पर पहले से षड्यंत्र था जो करने का, ये भाजपा का षड्यंत्र है, इसको हम नहीं चलने देंगे। और भाजपा के खिलाफ और आज नेतृत्व के खिलाफ की आवाज को दबाया जा रहा था, उस आवाज को बुलंद करने के लिए पूरा देश का समाज का किसान एक है। विधायक ने जो अत्याचार किया है, कहा है वो विधायक, उसने बोला था 24 घंटे भाई क्या हाल है, जो हमारे नेता के साथ हो गया हमें बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी। जो मीडिया ही खरीदी है, नहीं समझ रहे, और वो तो उल्टा ही दिखा रही है। और आपको पता ही, पहले दिन से पहले क्या नहीं बोला, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, क्या क्या नहीं बोला जा रहा हमको बताओ। अब गद्दार भी बोलने लग गए, बोलो गद्दार बोलो, ये जितना दबाएंगे उतना ही एक्शन, जितना करेंगे उतना रिएक्शन होगा। केस टिकट तक सरकार के लिए सही नहीं है, ज्यादा खाली करवाएंगे। हाँ क्या क्या बोला है, रविवार अगर रविवार तक धरना खाली नहीं हुआ तो हम तरीके से खाली करवाएंगे। हाँ हाँ, वो नंदकिशोर को भी देखेंगे, अब अगला टाइम नंदकिशोर का ही है। अरे अब अगला नंबर नंदकिशोर का ही है। हाँ नहीं समझ रहे, सबको देखा जाएगा। जिस तरीके से आंदोलन को इन्होंने बर्बर तरीके से कुचलने की कोशिश करी, ये बेहद शर्मनाक है। और ये लगातार आप देख रहे हैं कि कल के हालातों में आज के हालातों में कितना बड़ा अंतर है। अब इस देश ने बता दिया कि ये थी, और हमारे जो नेता हैं माननीय टिकैत जी, इन्होंने कह भी दिया था कि मैं गिरफ्तारी दूंगा लेकिन आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन